सो गाइज अपन लोग अब निकल गए हैं यहाँ से। तो गाइज इसको देख रहे हो आप, ये कैसे गमछा वमछा डाल के गांव का बच्चा बना। ओहो लवी को देखो भाई, यहाँ पे मिल गया गन्ने का जूस मस्त वाला, एकदम गाढ़े गाढ़ा। हाँ मजा ही आ गया। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पर, टोला टोला बोलते हैं। तेरी देर से ये बाल्टी नहीं उठ रही। हे गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो गया सुबह के 7:47, हम लोग उठ गए हैं, नहा लिए हैं, दोनों रेडी हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे गुरुजी के, और बाइक है ना थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, अगर वो चौथे भाई ठीक कर देता है, बाहर देख रहे होंगे आप, जैसे अगर बाइक में ठीक होता तो बाइक पे चलेंगे, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा जीप में। यहाँ का वातावरण अच्छा है, शुद्ध है, धूप सीधी घर के अंदर आती है, उजाला होता है, तो उसकी वजह से ना हम लोग जल्दी उठ गए थे। तो भाई मैं अभी कर रहा हूँ नाश्ता, मेरा नाश्ता तैयार है, रेडी है, देखिए घी रोटी और चाय। तो अभी मैं नाश्ता करता हूँ और फिर चलते हैं अपन लोग बाहर मंदिर पे। तो अगेन शुरुआत हो गई है दिन की, मसाला बनने के लिए तैयार है, भाई खड़ा है, भाई खड़ा है, और दीवार भी आधी खड़ी है और पूरी आज खड़ी हो जाएगी। ये भी उठ ही गया, लेकिन ये दिल्ली वाले टाइम पे उठा है भाई, इसको फर्क नहीं पड़ता कि गांव है या क्या है। फिर सुबह सुबह मिट्टी में इधर, तेरे को मिट्टी से क्या क्या है, तेरे को मिट्टी से बहुत प्यार है, इधर अपनी देश की मिट्टी से प्यार भी होना चाहिए। तो भाई सीन क्या है ना, वो जो गाड़ी है ना स्टनर, वो है पीछे से ऊंची, ग्लैमर जो खड़ी हुई है ये ठीक है। मीनाक्षी बस उसी को देख रही है कि मैं बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी ऊंची गाड़ी पे। ये पापा ले आए थे जब गाड़ी लेके आए थे साथ में, ये हेलमेट मैं यूज करता था वैसे दिल्ली में। तो अभी ऐसा करते हैं इस पे कैमरा सेटअप करेंगे, इसमें जो फ्रंट में कैमरा लगाने का स्ट्रैप है वो मैं दिल्ली से ले आया था, मेरे को पता था एक हेलमेट वहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा, तो वो लगाता हूँ और फिर चलते हैं, तैयार करता हूँ मैं इसको। सो गाइस अपन लोग हैं रेडी, कैमरे पे सेटअप कर लिया है, और ये वाली बाइक मैं लेके जाऊंगा वाली पापा। सो गाइस अपन लोग अब निकल गए हैं यहाँ से, बैठ जा बैठ रही है कहीं से, और अपन को करीबन यहाँ से चलना है, अभी यहाँ से है 50 किलोमीटर के आसपास, चले। तो ये है मेरा गांव भाबरू, और यहाँ से निकलते हैं, अपन को जाना है यहाँ से चंदवाजी। यहाँ पे शाम को खा रहा था मैं गोलगप्पे खड़े होके। तो ये है हमारा जीप स्टैंड, भाबरू की कहीं से भी आते हैं भाबरू तो जीप यहीं पे लगती है, और यहीं से उतर के हम लोग चले जाते हैं अपने गांव में जैसे कल गए थे। ये मैंने कर लिया है शीशा सेट, पीछे का देखना बहुत ज़रूरी है, हाईवे रोड पे ना मिरर होने बहुत ज़रूरी है। ऑयल तेल अपने गाड़ी में पूरा है। अभी बाइक पे पापा और चेतन, इस पे मैं, लविष्का और मीनाक्षी, और हाईवे रोड का जो मज़ा है भाई साहब गाड़ी चलाने का, ऐसे ही ये रोड जो है ना हाईवे रोड, ये वृंदावन वाले रोड से ना बहुत ज़्यादा बिजी है, इस पर गाड़ियाँ चलती रहती है। और वृंदावन साइड जब हम गए थे तो वहाँ पे गाड़ियाँ दिखती नहीं थी, बहुत दूर दूर गाड़ियाँ होती थी। तो भाई गांव के तो मज़े ही अलग हैं। तो गाइज ये गाड़ी जो है ना, ये है करीबन 16 से 17 साल पुरानी, और ये अभी भी बढ़िया चल रही है। हीरो और होंडा जब दोनों एक साथ थे तब ये गाड़ी ग्लैमर लॉन्च हुई थी, तो तभी ली थी भैया ने, मेरे बड़े भैया ने। तो भाई देखो कितने सारे मंकी, आगे ना लेफ्ट टर्न है तो ये है अलवर तिराहे, मतलब अलवर के लिए यहाँ से ना रास्ता जाता है अंदर लेफ्ट साइड में, यहीं से विराटनगर बैराड जिसको बोलते हैं, और काफ़ी जगह यहाँ से रूट निकल जाता है। तो भाई पापा ना गाड़ी को इतनी तेज़ी से भगा रहे हैं ना, क्योंकि उनकी गाड़ी भी स्टनर है, 125 cc है शायद, और ये रही पुरानी, ये करीबन 16-17-18 साल पुरानी गाड़ी है, तो ये यहाँ पे रखी हुई थी, यहाँ इसकी सर्विस वगैरह भी पता नहीं हुई है नहीं हुई है। और चेतन को देखो भाई, गमछा डाल रखा है गले में, गमछा, ये देखो निकल गए ना पापा, जैसे ही मैं ओरन देता हूँ पापा आगे भगा देते हैं गाड़ी को, मेरे को आगे नहीं निकलने दे रहे। तो भाई अभी अपन लोग चलते हुए पहुँच गए हैं शाहपुरा, और आगे बस स्टैंड है, वो दिल्ली से जितनी भी बसें आती हैं धौला कुआ से, ये मेन बस स्टैंड है राजस्थान में शाहपुरा नाम से, काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है भाई ये। हाँ ये है बस स्टैंड, तो मैं यहाँ से लेना था मुझे प्रसाद मंदिर पे, क्योंकि हम जा रहे हैं, अंदर से मिलेगा, अंदर मिलेगा, अरे उससे ले ले जाओ उससे। ये बस स्टैंड है शाहपुरा वाला, यहाँ पे दिल्ली से आती हुई बस यहीं रुकती है शाहपुरा, अगर किसी को उतरना हो तो पीछे बैक साइड में,
और अंदर एक किला है राइट साइड में जो ये रास्ता जा रहा है अंदर। तो गाइस इसको देख रहे हो आप, ये कैसे गमछा वमछा डाल के गांव का बच्चा बना हुआ है, लग भी तो बिल्कुल गांव का ही रहा है। और ये देखो ये हमारी शहर की लड़की। पहाड़ पे चढ़ना है तेरे को? चल शाम को चढ़ेंगे पहाड़ पे। चलो भाई ले आई, ऐसा करते हैं इसको रखते हैं इसमें। गाइस निकलते हैं यहाँ से। ये था शाहपुरा और अब आएगा अगला मनोहरपुर और उसके बाद चंदवाजी। तो ये काफ़ी बसा हुआ शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है शाहपुरा और काफ़ी बसावट है इस एरिए में। तो अंदर काफ़ी मकान बने हैं, मार्केट है बहुत बड़ी और एक किला भी है शाहपुरा का। तो भाई यार हाईवे रोड पे ना चलाने का मज़ा ही अलग है भाई, गाड़ी वाड़ी चलाने का। देखो ना तो आपको ब्रेक की टेंशन ना गियर्स बदलने की टेंशन है, एकदम मज़े से ना बस चलते रहो जब शहर आ जाए कोई तब हाँ लगता है कि हाँ ब्रेक व्रेक का यूज़ होगा, गियर का यूज़ होगा, नहीं तो बस आपको एक्सीलेटर पे हाथ देना है और चलते रहो भाई चलते रहो मस्त एकदम। जैसे 125 सीसी की गाड़ी है, अगर यहीं पे 200-400 सीसी हो कोई सुपर बाइक हो तो सोचो क्या मज़ा ही आ जाएगा भाई। एरिया आ गया मनोहरपुर, हाँ यहाँ पे टोल टैक्स होगा एक आगे चल के, अपना तो टोल टैक्स लगना है नहीं, अपन को तो यहाँ से निकल जाना है सीधा। अभी पापा पीछे हैं, मैं आगे निकल गया हूँ। अभी देखना पापा को ना वो नहीं होएगा, पापा निकलेंगे आगे। ये देखो भाई मैंने बोला था ये बस मेरे आगे निकलना चाहते हैं। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं लखेर। तो अभी अपन कर रहे हैं लखेर को पार। तो भाई यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं, ये देख रहे हो ये जा रहा है लेफ्ट में अहमदाबाद वाला हाईवे ऊपर से, और ये जो जा रहा है ये जा रहा है जयपुर। जयपुर से वैसे ये भी जाता है लेकिन मेन जयपुर सिटी में ये जाता है डायरेक्ट सीधा सीधा, और ये जो जाता है ये है शॉर्टकट जयपुर में जाने के लिए ऊपर वाला जो रास्ता है। तो ये ऐसे घूम के वो सामने से राइट हो जाता है ऊपर से, और अपनी भी डेस्टिनेशन अब आ ही चुकी है। बस ये फ्लाईओवर पार करते ही अपन को अंदर गांव में ले लेना है लेफ्ट साइड में। ये देख रहे हो ऊपर से जो ट्रक जा रहा है ये जाता है सीधा अहमदाबाद, और ये जयपुर भी जाता है शॉर्ट रास्ता है यहाँ से सीधा। और अपन आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, अपन को यहाँ से ले लेना है लेफ्ट और पहुँचते हैं मंदिर पे। और देखो गाइस क्या व्यू है पहाड़ का ऊपर। अभी क्या है ना ये हरियाली वैसे होती है सावन में, लेकिन अभी बारिश इतनी हो रही है पूरे भारत में ही हो रही है हर जगह, तो ये पहाड़ देखो कितने हरे भरे हो गए हैं। अभी सावन में तो एकदम मतलब मौसम एकदम ज़बरदस्त होता है राजस्थान का, शहर वाले तो इंतज़ार करते रहते हैं सावन आने का, और वहाँ पे सावन में बारिश इतनी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बारिश भी होती है और पूरे दिन मौसम इतना सुहाना बना रहता है ना ज़बरदस्त। तो भाई अपन लोग पहुँच गए हैं मंदिर पे, सामने है मंदिर, और ये रास्ता ऑफ रोड है थोड़ा सा। भाई सुशील भाई खड़ा हुआ है सामने, महाराज जी भी बैठे हुए हैं। पहुंच गए, कैसा है? बढ़िया। सो गाइस टाइम हो गया 9:42, अपन निकले थे 8:45 पे, 9:43। तो करीबन पूरा एक घंटा लगा और आराम से पहुंच गए, मज़े से आए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो वहाँ पे महाराज जी बैठे हैं, मतलब भी हाथ वाथ धो के और उधर चलो पैर वैर छुओ। चलो लवी लवी रुक रुक, देख यहाँ पे जितना भी ये सफ़ेद सफ़ेद है ना आटा गिरा हुआ है ना, यहाँ पे ना पैर नहीं रखते, यहाँ पे चींटियाँ होती हैं छोटी छोटी सी। पहले जूते उतार यहाँ पे और फिर देख जैसे हम करते हैं वैसे। चलो धोक दो, वहाँ चले जाओ मम्मी के साथ जाओ। चलो तो भाई यहाँ पे हमारे हैं गुरुजी, तो हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं गुरुजी के यहाँ पे, और यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है राम जी का,
और ये यहाँ पे ना यज्ञ होता है यज्ञ। जय हो। ओहो लवी को देखो। अरे बस ये सब पे नहीं करना, चलो 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 चलो। तो टाइम हो गया दिन में 12 बजे का, तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और चलते हैं दोबारा से भाबरू अपने गांव। तो भाई रेडी हैं, अभी निकलते हैं अपने गांव के लिए, भाबरू के लिए। आ जा अभी मेरे साथ आ जा तू। देखो वो अपने दादू के पीछे पड़ी हुई है, ले आओ। मीनाक्षी को भेज दिया आगे क्योंकि थोड़ा सा ना ऑफ रोड टाइप का है भाई, स्लिप विलिप हो जाए बेफालतू में गाड़ी। ये देखो पत्थर हैं बड़े बड़े, अब आ जाएगी मम्मी। देख रहे हो पहाड़ सामने एकदम, और इधर अपन को जाना हाईवे रोड पे। बैठ लवी तू बैठ। तो हवा नहीं थी यार गाड़ी में ना, काफ़ी दिन से खड़ी हुई थी उस पर, घर में हवा डलवाई नहीं थी, तो अभी हवा डलवाई है यहाँ से। और यह है चंदवाजी का पेट्रोल पंप। अभी अपन को रुकना पड़ेगा शाहपुरा पे, कोई आ रहा है उसको साथ लेना है। और हाईवे रोड पे जाओगे ना तो ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ना देखने को मिलती रहती है भाई। ये कैसी गाड़ी है देखो, तो भाई टाइम हो गया दिन में 12:55 और अभी अपन लोग आ गए हैं शाहपुरा बस स्टैंड। तो यहाँ पे अपने एक है ना गेस्ट आने वाले हैं, उनको भी साथ लेना है और मैं दिखाऊंगा बाद में गेस्ट कौन है। फ़ोन आ गया भाई का। हेलो, अच्छा हम शाहपुरा पहुँच गए बस स्टैंड पे, वेट करते हैं उनका बैठ के यहाँ पे कहीं पे। तो भाई यहाँ पे मिल गया गन्ने का जूस मस्त वाला एकदम गाढ़े गाढ़ा, हाँ मज़ा ही आ गया। तो ऐसा है मैं क्या बोल रहा था कि मेरे ना कैमरे की हो रही है बैटरी बिल्कुल डाउन, ये मेरे को लग रहा है कभी भी बंद हो जाएगा, तो अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ और अभी मिलेंगे गांव में आपको। ओ भाई बकरी। तो भाई फाइनली अपन लोग पहुँच गए अपने गांव में भाबरू अगेन। देखो भाई उससे ये देख रही है मीनाक्षी सामने गोलगप्पे वाला है, इसी से खाए थे हमने कल। ये देखो यहाँ पे अपने थाना भी बन चुका है। ओ भाई सामने ना बनवारी लग रहा काम कर रहा है, कितनी आवाज़ कर रही है गाड़ी। हाँ चल अभी उतर जा, दादू भी आ गए। तो ये था वो गेस्ट जिसको हम ले रहे थे, ये हमारी बुआ की पोती ही ना। अब मिलते हैं बाद में यार, अभी ना रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। तो भाई अपन लोग पहुंच गए लेकिन लंच टाइम हो गया पहुंचते ही, तो टाइम हो गया 1:30 बजे। मेरे सामने है मेरा खाना, छाछ एकदम ओरिजिनल वाली, दाल, हरी मिर्च, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं पर टोला टोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ टरपोलिया टोला टोला बोलते हैं। दाल, लस्सी, छाछ ओरिजिनल वाली, रोटियां, और थैली भर के दे दिया मेरे को, चूरमा किसमें से डाल लो और खा लो। इसके बाद मेरे को ना लग रहा है कि मेरे को नींद आ जाएगी, मेरे को पहले ही नींद आ रही है, और छाछ पी के तो नींद आ ही जाती है। जाओ चाबी उठा के ला गाड़ी की और दूध दूध लेके आओ। कौन सी गाड़ी ले जानी है, देखो मैंने कितनी सारी गाड़ियां खड़ी करवा रखी है, एक ये है, एक वो है, एक वो है, जो जो ले जानी है ले जाओ। तो भाई यहाँ पे भर रहे हैं हम लोग पानी, अंदर चल रहा है काम, तो हम लोग लग गए हैं काम पे। पानी की थोड़ी सी कमी हो गई थी तो हमने आगे से ऐसे पानी किसी से लिया है और पाइप द्वारा यहाँ से अब भर के अंदर पहुँचा रहे हैं। चलो भाई भर गई है बाल्टी। भाई थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा तेरे को इस बार, एक हाथ से उठ गई वैसे बाल्टी, जिम गए बहुत दिन हो गए। तो ये पूरी दीवार है ना, पूरी दीवार इसकी हो रही है तराई। टाइम हो गया शाम के 5 बजे का, पापा जा रहे हैं दूध लेने, तो मेरे लिए ना एक दो आइसक्रीम लिया ना वाडी लाल वाली। चलो एक और बाल्टी आ गया, छोटे छोटे बच्चे भी देखो काम करवा रहे हैं अभी। लेकिन है ना एक काम कर तू, ये बाल्टी थोड़ी छोटी है तो तू उठा के ले जा, भारी है, उठा के तो दिखा दे एक बार, भारी होगी तो फिर मत ले जियो। वो तो सही है, उठाई नहीं जा रही तेरी, तेरे से ये बाल्टी नहीं उठ रही, अबे हिल ही नहीं रही तेरे से, बीमार है।
अरे तू बाहुबली अब पता लग रहा है पानी कितना जरूरी है, जली जीवन है, पीने के लिए नहीं दीवार के लिए भी चाहिए, कुछ बनाना हो ना तो उसके लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, पता लगा तेरे को? तू देख रहे इनको, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भाई मंकी आते हैं बड़े बड़े, ठीक है इनके सामने ऐसे खुल के मत खाओ, अभी अभी घूम रहे थे इधर उधर, अभी फिर आ जाएंगे तुम्हारे को पकड़ेंगे और घसीट के ले जाएंगे। ये देख रहे हो पहाड़ है, इस पे जो ये मंदिर है, इस मंदिर पे अपन कल चलते हैं, कल शाम को मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर ले जाके मंदिर, ये भूमिया जी महाराज का मंदिर है और इस पे जाती है सीढ़ियाँ, ये जो वाइट वाइट कलर की सीढ़ियाँ जा रही है ये ऊपर ले जाती है हमें मंदिर तक। ये हमारा घर है और ये हाईवे रोड है इतनी पास में, तो अगर हमको कोई बस वस पकड़नी होती है दिल्ली जाने के लिए तो हम हाईवे रोड पे चले जाते हैं वहाँ पे सामने, और वहाँ से बस को रोक के वहाँ से दिल्ली चले जाते हैं लड़के। तो अभी ऐसा मैं बता रहा हूँ कि कल चलेंगे अपन ऊपर टॉप पे, तो अभी जो ये व्यू दिखाई दे रहा है आपको बाहर का और ऊपर से जो व्यू आएगा अमेजिंग आने वाला है, कल दिखाऊंगा मैं, कल के ब्लॉग में यही शूट करूंगा। तीनों कैसे बैठ के देख रही। तो गाइस टाइम हो गया रात के 10 बजे का, आपने देखा बाहर अभी चल रहा है काम, मम्मी और दोनों बुआ बैठ के देख रही हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, तो 10 बजे का टाइम हो गया, मेरे को आ रही है बड़ी तेज नींद, ये देखिए मीनाक्षी भी अभी खाना खा रही है, टाइम हो गया रात के 10 बजे का, तो हमारा तो दिल्ली की तरह ही टाइम हो रहा है यहाँ पे भी। तो इस व्लॉग का भी यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं दोबारा से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय। यार ये बीच में जैसे ही मैं ना वीडियो बनाता हूँ ना भूलता हूँ, तो भाई अपन लोग वो शांत हो जाओ।